आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे बाहुबली, केजीएफ और एएसआई ने, इन तीनों फिल्मों ने इंडियन सिनेमा को बदल के रख दिया। देखिए, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इंडियन सिनेमा की। इंडियन सिनेमा का जब भी आप नाम लोगे तो सबसे पहले नाम आता है बॉलीवुड इंडस्ट्री का। बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में फेमस है, यानी जहां जहां पे इंडियन लोग रहते हैं, जहां जहां पे इंडियन मूवीज को देखना पसंद करते हैं, वो बेसिकली बॉलीवुड की फिल्में ज्यादा देखते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में, कुछ मतलब तकरीबन 15 से 20 सालों में, बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में आ रही है ना, आप 15-20 फिल्मों में से कोई एक अच्छी फिल्म आ रही है, और स्टोरी के नाम पे मोस्टली सारी पिक्चरों की स्टोरी ऐसा लगता है कि यार हमने वार ये सब चीजें हम लोग पिछली फिल्म में देखे थे या हॉलीवुड में ये सब चीजें देख चुके, तो बॉलीवुड वालों के पास कुछ भी नया नहीं है। लेकिन अब ये दौर आ चुका है कि अब जो साउथ वाले, पहले से साउथ वालों की फिल्मों में जो कहानी होती है वो फ्रेश होती है। कभी भी आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि साउथ वाले कभी भी बॉलीवुड की फिल्म का जल्दी रीमेक नहीं बनाते। मैं मानता हूं कि पहले डॉन ये सब चीजों का रीमेक बन चुका है साउथ में, लेकिन मोस्टली साउथ की फिल्में हमेशा जो फ्रेश कंटेंट के साथ ही, हमेशा उनकी कहानी एकदम फ्रेश होती है। इससे पहले हमने कभी भी इस तरह की कहानी नहीं देखी होगी जो आपको साउथ की फिल्मों में देखने को मिलता है, यानी कि टॉलीवुड। और अब तो ऐसा होगा कि सैंडलवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है साउथ में जो अब ऐसा उभर के आ गई कि बॉलीवुड की फट चुकी है देखकर ही। और उसका एक एग्जांपल है कि उन्होंने एएसएन मूवी को हिंदी में रिलीज नहीं होने दिया। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि बॉलीवुड की कितनी जबरदस्त तरीके फटी है। अब केजीएफ चैप्टर 2 आने वाली है, कुछ ही महीनों में आपको केजीएफ चैप्टर 2 देखने में मिल जाएगी। अब केजीएफ चैप्टर 2 ने सिर्फ वो फिल्म नहीं थी, उस फिल्म ने पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री को लाके खड़ा कर दिया कि भाई हम लोग भी कुछ है। और ये प्रूफ कर दिया कि कहानी बताने में या सेट डिजाइन में या जिस तरीके से एक्शन होना चाहिए, जिस तरीके से डायलॉग होना चाहिए, जैसा हीरो का एक अंदाज होना चाहिए, वो सब कुछ आपको केजीएफ चैप्टर 1 में देखने को मिला था। और बाहुबली मूवी की बात करो तो बाहुबली मूवी पीरियडिक फिल्म तो थी, लेकिन उसमें जिस तरीके से एसएस राजामौली सर ने जो कहानी बताने का जो उनका तरीका था, वो तरीका आज तक के बॉलीवुड में कोई भी फिल्म नहीं बनी थी। और बॉलीवुड में हमेशा सीक्वल के नाम पे या पार्ट 1 या पार्ट 2 के नाम पे सिर्फ लोगों को चूतिया बनाता था और कुछ भी नहीं था। लेकिन बाहुबली ने जिस तरीके से स्टोरी बताई कि इस तरह से स्टोरी बनाई जाती है, तो वो स्टोरी बनाने का जो तरीका था, इस तरीके ने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। और उसमें जिस तरह से हाई बजट में जो फिल्म बनी थी, और उस फिल्म ने लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा कमाया था, और आज तक अभी भी रिकॉर्ड है कि बाहुबली के बाद अगर कोई अच्छी पिक्चर जो इतनी ज्यादा चली है वो है दंगल। और मैं दंगल के बारे में इसके लिए बोलूंगा, दंगल भी भाई आमिर खान की फिल्म थी और उसमें भी आमिर खान ने बहुत मेहनत किया था। केजीएफ की बात करते, केजीएफ के बारे में लोगों को ना, मतलब केजीएफ फर्स्ट को रिलीज होने इसके लिए दिया क्योंकि लोगों को लगा था यार ये तो सैंडलवुड की फिल्म है, कौन जानता है यश को, कौन मतलब एकदम उसको ना मतलब कम में आके रहते। लेकिन बाय जैसी वो फिल्म रिलीज हुई है, ऐसा जबरदस्त उसने बवाल मचाई कि आज तक बॉलीवुड उस चीज को भुला नहीं पाया। और यही वजह थी कि बॉलीवुड ने कि एएसएन मूवी को रिलीज होने नहीं दिया, क्योंकि बॉलीवुड को अब बहुत ज्यादा डर हो गया सैंडलवुड से। क्योंकि टॉलीवुड यानी कि जो साउथ वाली जो फिल्में बनती थी वो तो चलो ठीक ठाक थी, क्योंकि साउथ में मोस्टली जो फिल्में होती थी वो पैन इंडिया रिलीज नहीं होती थी, कुछ ही फिल्में जो पैन इंडिया रिलीज होती थी, वरना अदरवाइज वो सब फिल्में उन्हीं की लैंग्वेज में रिलीज हुई है, तमिल या तेलुगु में। तो बॉलीवुड क्या, चलो ठीक है यार, कूल रहने दो, उनको उधर कमाने दो। लेकिन जैसे बाहुबली हो या जैसे कुछ एक्टर्स की मूवी अब पैन इंडिया रिलीज होने लगी, तो जो लोग नहीं देखते बॉलीवुड की, जो लोग नहीं देखते टॉलीवुड की फिल्में या सैंडलवुड की फिल्में, अब वो लोग उन फिल्मों को देखने लगे। और धीरे धीरे जो लोगों का रुझान था ना, उन इंडस्ट्री की तरफ बढ़ने लगा था। बॉलीवुड को अंदर अंदर है ना एक इनसिक्योरिटी होने लगी है, और इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी हो गई कि आप लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन अब वो इतनी गंदी गंदी पॉलिटिक्स करने लगा कि मतलब उन फिल्मों को रिलीज होने नहीं दे रहे। अगर रिलीज हो भी रही है तो उनको स्क्रीन्स नहीं मिल रही है। ये मैं बोल रहा हूँ कि तब खत्म होगा जब आप लोग आवाज उठाओगे, आप लोग मेरा साथ दोगे, मेरे इस वीडियो को वायरल करोगे, और आप लोग कमेंट सेक्शन में हैशटैग करके चलाओगे कि हैशटैग सपोर्ट ASN या हैशटैग सपोर्ट KGF या हैशटैग सपोर्ट गुड कंटेंट मूवीज। तो ये सब अगर आप लोग चलाओगे ना, तो भाई तब जाके बॉलीवुड को ये सब रियलाइज होगा, अब जो लोग हैं उन लोगों को अच्छी मूवीज देखना है। अब वो चाहे टॉलीवुड की हो या सैंडलवुड की हो, फिल्म अगर अच्छी हो तो हमको वही देखना, क्योंकि हम लोग जब अपने मेहनत के पैसे अगर किसी चीज में डाल रहे हैं, और हम लोग मूवी किस लिए देखते हैं, हम लोग मूवी किस लिए देखते हैं, हम लोग मूवी एंटरटेन होने के लिए देखते हैं। तो अगर हमारे को एंटरटेनमेंट नहीं दे पा रहे हो, तो हम लोग आपकी मूवीज देखे क्यों। और मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगा कि ये जो बाहुबली है या KGF चैप्टर 1 है या ASN मूवी है, ये तीनों मूवी एक ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है जिसको ना बॉलीवुड वाले हमेशा कम में आते हैं। लेकिन अब मैं इतना बता दे रहा हूँ बॉलीवुड वालों को, अब भाई या तो तुम अच्छी मूवीज बनाना शुरू कर दो, या तो फिर जितनी भी साउथ की मूवीज है
एएसएन हो या और भी स्टैंडर्ड की आने वाली जो पैन इंडिया रिलीज होने वाली, तो उनको एक अच्छी स्क्रीन्स दो, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन्स दो, क्योंकि लोगों को पता है, भरोसा है कि आप लोगों के पास कहानी तो बची नहीं, आप लोग तो सिर्फ लोगों को चूतिया बना रहे हो, बड़े बड़े स्टार्स के नाम पे सिर्फ एड़ा बना रहे हो। मैं मानता हूं कि साउथ में भी आपको कुछ कुछ खराब मूवीज देखने को मिल जाती, लेकिन आप उनको चांस तो दो, आप स्क्रीन्स तो दो, आप एएसएन को तो मतलब एकदम एकदम मतलब ऐसा गायब कर दीजिए कि कभी एएसएन मूवी आई नहीं थी। मतलब बेचारे ने एएसएन का हिंदी का ट्रेलर डाला उसने, लेकिन आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं दे रहे हो, आप उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हो कि भाई हम अपना टैलेंट दिखाने, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपना टैलेंट दिखा चुका। और मैंने पर्सनली देखो उस मूवी को ऐसे लैंग्वेज में देखा जिस लैंग्वेज का मुझे ए टू जेड कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी मैंने देखा, मुझे फिर भी मूवी पसंद है, क्योंकि उस मूवी में एक अलग अंदाज है उसका बनाने का तरीका, उसमें मेहनत साफ झलकती है। ये बॉलीवुड की तरह नहीं मतलब कुछ भी बना दिया, मतलब एकदम चूतिया बनने वाली फिल्म है। अभी मैं बॉलीवुड की फिल्मों का रिव्यू करना छोड़ चुका, लेकिन आपको पिछले हफ्ते की फिल्म बताओ, चाहे शिकार हो या मलंग हो या हैक हो, अगर आप वो तीनों फिल्में देख लो, अगर आपको तीनों में से कोई एक भी फिल्म पसंद आई ना, तो भाई मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। तो जब इन सारी फिल्मों को रिलीज करने का आप लोगों के पास टाइम है, ये इन लोगों के लिए आप स्क्रीन दे रहे हो, तो एएसएन जैसी फिल्में क्यों नहीं। और अब तो मैं इतना बोल रहा हूं कि केजीएफ चैप्टर 2 भी सिर्फ इसीलिए रिलीज होगी, मैं आपको सीधी मुंह पे बता रहा हूं, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 1 उन्होंने गलती से रिलीज करवा दिए थे, जो कि फाड़ दी, वाट लगा दी लोग की, मतलब ये लोग सोच भी नहीं सकते, तो वो सारी की चीजें कर दी। और अब प्रॉब्लम ये है कि केजीएफ चैप्टर 2 एक बड़ा ब्रांड हो गई है, और इसमें अभी संजय दत्त आ चुका है और रवीना टंडन यानी कि बॉलीवुड के स्टार्स भी आ गए, तो अब तो इनके बाप को भी ये मूवी को रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मूवी को रिलीज नहीं करेंगे तो फिर लोग बवाल मचा देंगे, और वो बवाल से बचने के लिए उनको केजीएफ चैप्टर 2 तो रिलीज करना पड़ेगा। लेकिन मैं इन लोगों को इतना ही बोलूंगा कि केजीएफ चैप्टर 2 ही नहीं, मगर आपको एएसएन हो या और भी सैंडलवुड हो या टॉलीवुड हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर उन लोगों के पास गुड कंटेंट है, अगर ऑडियंस को वो सारी फिल्में देखना है, तो आप लोगों को ये सब चीजें रिलीज करना ही चाहिए। और मैं सिर्फ इतना बोल रहा कि ये तमाम जो फिल्में थी ये इंडियन सिनेमा को इसलिए बदल दे, क्योंकि अब बॉलीवुड वालों के पास कुछ बचा नहीं है, तो इसके लिए बॉलीवुड वाले इस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सोच रहे कि अब हम लोग वो फिल्मों को यहाँ रिलीज होने नहीं देंगे, तो जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा गलत है। अब आप लोग क्या सोचते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस इस वीडियो में इतना, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत सारी बातें, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग के अंदर भी दिल में बहुत सारी बातें होगी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी बातें जाहिर कर सकते हो। और बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब, और हाँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। तो बस मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, दुआ में याद रखना, मैं हूँ राशि शेख, बाय।